एक बार फिर दिल्ली के एक एटीएम से 2000 रुपए का नकली नोट निकला है। इस बार मामला अमर विहार कॉलोनी का है। इस पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और मनोरंजन बैंक छपा हुआ है। चंदन नाम के लड़के को जब ये नोट एटीएम से मिला तो उसने हैरान परेशान होकर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। उसके मोबाइल पर रकम निकालने का मैसेज भी आ गया था। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर ली है। मामले को क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई है। इससे पहले 6 फरवरी को संगम विहार के SBI ATM से भी 2000 रुपए का नकली नोट निकला था, जिस पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और चूरन लेबल लिखा था। इस बार जिस लड़के को ATM से ये नकली नोट मिला है, फिलहाल पुलिस उस ATM में पैसा डालने वाली कंपनी से बातचीत कर रही है, ताकि मालूम चल सके कि नकली नोट असली नोटों के बंडल में आया कहां से। लगातार इस तरह के वाक्यों से न सिर्फ पब्लिक हैरान है, बल्कि पुलिस भी परेशान है। बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए 2000 के नोट ATM में कौन और कैसे डाल रहा है, ये अब पता लगाना जरूरी हो चला है। नोटबंदी के बाद जब से सरकार ने नए 2000 के नोट जारी किए हैं, तब से ही ऐसी वारदातें बढ़ गई हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।